उस रास लीला से अदृश्य होते हैं, भगवान दिखाई नहीं दे रहे। गोपिया भगवान को ढूंढती है, आई तो भगवान के लिए ही थी। और जब आप भी कभी मंदिर जाओगे ना, ये गोपिया रास लीला में भगवान के लिए जाती थी, हम भी कभी मंदिर जाए तो भगवान के लिए जाए। मैंने परसों एक सवाल भी आपसे किया था कि आप मंदिर जरूर गए हो आज तक, लेकिन याद तो करिए, मंदिर जाने के बाद कभी ये कहा भगवान आप चाहिए, आपके लिए आए? ये अंतर है, इच्छाओं में अंतर है, स्वभाव में अंतर है। हम जाके ये नहीं कहते भगवान आप चाहिए, आपके लिए आए। हम भगवान से चाहते हैं। गोपियां भगवान के लिए वहां जाती थी, अब भगवान ही अदृश्य हो गए। और यहां चर्चा आती है कि भगवान अंतर्धान होकर इन गोपियों को परोक्ष रूप से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरे प्रिय भक्तों, मैं अज्ञानी एवं सामान्य व्यक्ति के अहम को भी सहन नहीं कर सकता हूं, तो फिर मेरे भक्तों और ज्ञानी पुरुषों के मद को मैं कैसे सहन कर सकूंगा। जो अज्ञानी है, दृष्ट है, उनके अहम को तो मैं सहन करता ही नहीं, तो फिर मेरे अपने जो भक्त है, जिन्होंने मेरे नाम की कंठी पहनी है, माला पहनी है, जो मेरे मंदिर आते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरी कथा करते हैं, जो मेरी कथा सुनते हैं, जो मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, फिर उनके अहम को मैं कैसे सहन कर सकता हूं? क्योंकि जो अज्ञानी है उसमें तो अहम होगा ही होगा, लेकिन जो मुझे मानता है, जो मेरा भजन करता है, मेरी कथा का वर्णन कथा करता है या कथा श्रवण करता है, तो उनकी जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है, उनके अहम को कैसे सहन कर पाऊंगा? क्योंकि वो तो अज्ञानी है तो अहम होगा ही होगा, लेकिन हम तो ज्ञानी हैं। इसलिए गुजराती में एक बहुत बढ़िया भजन बोला जाता है, प्रभु जी ना नाम नी हो माला छे टोक मा, प्रभु जी ना नाम नी हो माला छे टोक मा, प्रभु जी ना नाम नी हो नहीं।
भजन तो वैसे बड़ा है और समझने जैसा है, लेकिन इतना ही मुझे जरूरी था कि अगर हमने भगवान के नाम की माला पहनी है, भगवान के नाम की माला हम अगर फेर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। खोट लेवाए नहीं, जो अपने पसीने की कमाई है उसके ऊपर हमारा अधिकार बनता है। हम किसी से छीने नहीं, किसी को फंसाए नहीं, किसी को बर्बाद करके हम उसका पैसा छीने नहीं, खोट लेवाए नहीं, झूठ बोलाए नहीं। हम फिर झूठ नहीं बोल सकते और औड़ू चलाए नहीं और हम टेढ़े नहीं चल सकते। देखो डॉक्टर दवाई भी देते हैं और पथ्य भी कहते हैं, दोनों चीजें जरूरी है। गुजराती में परहेज कहते हैं और पथ्य मराठी में भी और हिंदी में भी, तो दोनों जरूरी है। दवाई भी जरूरी है बीमारी के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए, और पथ्य भी जरूरी है। तो उसी तरह अगर हमने माला पहनी है भगवान के नाम की गले में, अगर हम माला करते हैं भगवान के नाम की, तो फिर वो जो नियम है वो नियम भी हमें नियमों का पालन करना होगा कि खोट लेवाए नहीं, हम झूठ ना बोले और टेढ़े नहीं चले, किसी के सामने ना आए और किसी को बर्बाद ना करे। जैसे कि भगवान ने सारे जीवों को तो आड़ा बनाया, चलते सीधे है, आदमी को सीधा बनाया, चलता टेढ़ा है, आड़ा है, किसी के भी आड़े आ जाए। लोग पूछते बिल्ली रास्ता काट दे तो महाराज के अपशकुन है, मैं बोला आज तक मेरे सुनने में तो नहीं आया कि बिल्ली के रास्ते काटने से किसी को नुकसान हुआ, लेकिन ये सुनने में जरूर आया अगर आदमी रास्ता काट ले तो नुकसान जरूर होता है। तो हम क्यों किसी का रास्ता काटे, क्यों किसी के पैर खींचे? आप नहीं, वो उन अज्ञानियों की बात तो यहां है ही नहीं, भगवान कह रहे हैं। उन अगर उससे भी मैं दुखी बनता हूं, अज्ञानियों भी को भी अहम हो जाए तो मैं दुखी बनता हूं, लेकिन ज्यादा मुझे दुख तब होता है जब कोई ज्ञानी अहम करे, मेरा भक्त अहम करे, मैं उससे दुखी होता हूं, ठेच पहुंचती है। कैसे मैं सहन करूं उस ज्ञानी को, भक्त को कैसे सहन करूं जिस भक्त ने मेरे नाम की माला पहनी, जो मेरे मंदिर जाता है, जो मेरी कथा करता है, जो कथा सुनता है, कैसे सहन करूं उनमें मैं अहम? इसलिए मैं उसे सहन नहीं कर सकता। यहां भगवान अहम का विरोध करते हैं, हूपनु विरोध करते हैं, मराठी में बोलते मीपना, उसका विरोध करते हैं भगवान की। नहीं, उस अहम को हमें छोड़ना होगा, वो हमें नुकसान करता है, भगवान नाराज हो जाते हैं। तो हमें अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो आइए शुरुआत गोपी गीत की यहां से है कि अहम छोड़ दे, अपने अस्तित्व को मिटा दे, जैसे नमक पानी में घुल जाता है ऐसे बन जाए, अपने अहम को त्याग कर दे। ये अहम हमारी सुंदरता को बिगाड़ता है, ये अहम हमारे शांति को बिगाड़ता है, ये अहम हमें विचलित करता है, ये अहम हमें दूर ले जाता है, खुद से, भगवान से, धर्म से, अपनों से दूर ले जाता है। आज दुनिया में जितने भी झगड़े देखो, मूल में जाओगे तो अहम मुद्दा है, अहम उसका मुद्दा है।
इसलिए उस अहम को मैं सहन नहीं कर सकता। और मद का दमन करने के लिए हमेशा जो कृष्ण है वो अवतरित होते रहते हैं, दुनिया में आते रहते हैं। कंस को जैसे अहम हुआ भगवान कृष्ण बनकर आए, रावण को अहम हुआ भगवान राम बनकर आए, हिरण्यकश्यप को अहम हुआ भगवान नरसिंह बनकर आए। जब जब ये अहम तकलीफ करता है संसार को, तब तक भगवान तदात्मानं सृजाम्यः, भगवान तब तब प्रकट होते हैं और इस जो अहम का जो मद है उसे समाप्त करते हैं। जहां मद एवं मोह रहते हैं वहां भगवान नहीं विराजते। जहां हरि है वहां मैं नहीं, और जहां मैं है वहां हरि नहीं। आपके हृदय में भाई एक आपको हृदय में भगवान को धारण करना है तो अहम को निकाल दो। जब से जैसे ही अहम निकलेगा तो भगवान विराजमान हो जाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जहां मद है, जहां अहम है, जहां मोह है, वहां मैं नहीं रह सकता, वहां मैं नहीं आता। इसलिए भगवान के मदम एवं मोहन इन दोनों नामों का सार्थक्य है। इसलिए भगवान का नाम मदन भी है, मदन गोपाल, और भगवान को मोहन भी कहा कि मदन का मतलब है जो मद को नष्ट करे, और मोहन का मतलब है जो मोह को नष्ट करे, मदन मोहन। इसलिए भगवान का नाम कहलाया जो हमें प्रिय नाम है। और इन दोनों नामों को भगवान सार्थक करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे मद भी अच्छा नहीं लगता तथा मोह भी अच्छा नहीं लगता। तुम मद का त्याग करके, काम का त्याग करके, वासनाओं का त्याग करके मेरे पास आकर मुझ में एक रूप हो जाओ तो तुम मुझे प्रिय लगते हो। जब आप इन विकारों का त्याग करोगे, जब विकारों को हम छोड़ देते, मोह का, आसक्ति का, इस माया का त्याग करते हैं, तब भगवान कहते हैं फिर तुम मुझे तब प्रिय लगते हो। जैसे मैंने पहले ही दिन कहा था, हमें तो भगवान प्रिय लगते हैं, हमें तो सबको भगवान प्रिय लगते हैं, लेकिन हम भी तो प्रिय बने भगवान के। मेरा ऐसे श्रृंगार करती है, अब मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरा भाई का भाव है, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मीरा भाई कहती है मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन ऐसा सजाओ कि मेरे श्याम सुंदर को मैं पसंद आ जाऊं। और कौन सा श्रृंगार करती है मीरा भाई, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनू दूल्हा जो कबहू न छूटे। वो ऐसे दूल्हे से शादी बनाना चाहते जो कबहू न छूटे, जिसकी कभी मृत्यु ही न हो, ऐसे दूल्हे से वो शादी बनाना चाहती है। वो अपने संस्कारों का श्रृंगार करती है, वो अपने विकारों का त्याग करके सुंदर बनने की कोशिश करती है कि उसे, मीराबाई को पता है जब मैं अपने विकारों को, मोह को त्याग दूं, अहम को त्याग दूं,
मैं वासनाओं को त्याग दूं, तब मैं अपने हरि की प्रिय बन सकती हूं। और वो प्रिय बनना चाहती है और प्रिय बनने के लिए सारा त्याग करना कर सकती है, कर रही है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। अगर भगवान चाहिए तो अहम छोड़ दे, मद को त्याग दे, वासनाओं को त्याग दे, तब हरि की मुलाकात होती है, तब हमारी पात्रता बनती है। तो मीरा भाई ऐसे श्रृंगार करते, हम भी तो श्रृंगार करें इन विकारों को, जो मेरे भगवान को मंजूर नहीं है वो मैं निकाल दूं, जिससे मेरे भगवान दुखी है वो मैं सब हटा दूं, मेरे हृदय को वृंदावन बनाऊं, मेरे हृदय को अयोध्या बनाऊं, जहां मेरे भगवान का प्रागट्य हो जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं, मुझे आप तब प्रिय लगते हो जब आप अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हो, जब आप दुर्गुणों को हटाते हो। और यही भगवान का भजन भी है। भगवान का भजन है, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अपने व्यसनों को त्यागना भगवान का भजन है। अपने मन की तरंग को शांत करना भजन है। हम तो भजन करते हुए भी मन यहां वहां हमारा भटकता है, जीव फिरे मुख माही, मनवा चौदिस फिरे, ये सुमिरन नाही कि मुख में जीव तो राम 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 कह रही है, कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण कह रही है, और मन चारों दिशाओं में घूम रहा है, ये सुमिरन नाही। सुमिरन तो वो होता है जब महाराज ध्रुव बैठ गए अनुष्ठान में, बस बैठ गए, हम कमरों से 8 बजे तक बाहर निकलने के लिए सोचते हैं, इतनी ठंड है, और जगत गुरु जी सुबह 4 बजे खुली कुटिया में यज्ञशाला में हवन करने बैठ जाते हैं। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जिसने अपने मन को इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने ठान लिया है कि मुझे यज्ञ करना है, मुझे भगवान, जिसकी हृदय में तड़प उठ चुकी है, फिर वो ठंड उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। महाराज ध्रुव भी ऐसे बैठ गए, बरसात हो रही है, ठंड पड़ रही है, लेकिन बस एक ही मुझे नारायण से मिलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जाप हो रहा है, वर्षा वृष्टि हो रही है, लेकिन हिले नहीं, मन डगमगाया नहीं, और दृढ़ता के साथ भगवान का भजन करते रहे, स्मरण करते रहे, आए हैं भगवान। बस मन की तरंग जब हम मारते हैं, जब मन को एक करते हैं, तब भगवान का भजन भी हो सकता है। इसीलिए जब वो तड़प उठेगी तब ये बात बनती है, फिर बाकी ये दुख, बाकी जो दुख है वो समाप्त हो जाते हैं। ये थोड़ी चर्चा में कर लूं कि क्यों भगवान, मुख्य कुछ कारण भी रहे हैं जो भगवान नाराज हुए और भगवान गोपियों के सामने से अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए, उसके कुछ कारण भी रहे हैं, उसके ऊपर मैं कुछ क्षणों के लिए चर्चा करूं। भगवान अंतर्धान जो हुए थे रासलीला के
बीच में से उसका एक कारण वो था कि अंतर्धान इसलिए हुए कि जो हृदय प्रिय भगवान के भक्त है, जो भगवान के प्रिय है, उन भक्तों का मतलब इन गोपियों के मद का प्रशमन करने के लिए एवं भक्तों के मन को प्रसन्न करने के लिए भगवान अंतर्धान हुए है। जो हृदय प्रिय भक्त है भगवान के गोपिया, उसका जो मद था उसको प्रशमन करना था भगवान। इन गोपियों में जो एक सात्विक अहंकार आया था, सात्विक अहम, उसको हटाना था, क्योंकि मैं अंतर्धान हो जाऊं तब तो ये गोपिया सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि हमारी गलती क्या है, और फिर गोपियों को पता चलेगा कि कहां भूल हुई, और उस भूल को गोपियां सुधार देती है तो बस गोपियों से और श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं। इसलिए भगवान वहां नाराज है थोड़ा अहम में, इसलिए अंतर्धान होने के बाद फिर ये सोचती रहेगी गोपियां हमसे क्या भूल हुई। जब कोई हमसे नाराज हो जाता है, बात नहीं करते, तो हम सोचते हैं ना मेरे से भूल क्या हुई, हम सोचते हैं, हम याद करते हैं ऐसा क्या हुआ जो मेरे से बात नहीं हो रही। भगवान यही चाहते थे गोपियां इसे सोचे, क्योंकि अत साम्य भाव के कारण जो मद जागृत हुआ, और श्री किशोरी जी श्री राधा सहचरी जी के मन में मान जागृत हुआ, सम्मान जागृत हुआ, और भगवान वहां थोड़े नाराज हो गए और उनके मान का प्रशमन करने के लिए भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। मद का मोचन करने के लिए भगवान श्याम सुंदर वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। ये पहला कारण है, मद आया भगवान गायब, ये हम भी याद रखें कि अहम हमें समाप्त कर देता है। जब भगवान राम रावण का वध कर अयोध्या पहुंचे थे तो सभी माताओं ने पूछा, माताएं पूछती है कि राम रावण का रावण को आपने मारा? भगवान राम कहने लगे, हां मां, रावण को मैंने मारा। ऐसे नहीं कहा भगवान राम ने, मेरे प्रभु राम ने ऐसे नहीं कहा मैंने मारा, इसलिए तो मेरे भगवान मधुराधिपते अखिलम मधुरम है, वो मधुर है। वो कहते हैं रावण को मैंने मारा, क्योंकि भगवान कहा भगवान नहीं चाहते थे, इसलिए तो अंगद जी को भेजा था मध्यस्थी करने। अगर मां भगवती सीता को वापस कर देता है तो युद्ध नहीं होगा। कहां मारना चाहते थे भगवान राम, लेकिन उसे अहम था, उस अहम को नष्ट करना, उस मद को नष्ट करना भगवान का कार्य था, भगवान की जिम्मेदारी थी, और उस जिम्मेदारी को भगवान ने निभाया। इसलिए रावण को मैंने मारा, रावण को अहंकार ने मारा है, ये हम सब जानते हैं। ये अहंकार, ये अहम हमें मार देता है। फिर वो ज्ञान का हो, वो वक्ता का हो, वो श्रोता का हो, वो कला का हो, इसी किसी भी विद्या का अभिमान, पैसों का अभिमान हमें समाप्त कर देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा विद्या विनय न शोभते। जो आपके पास विद्या है वो तब शोभा देती है जब आपके स्वभाव में विनय है। अमीर आदमी तो वो है कि किसी गरीब, कोई गरीब आदमी उसके साथ खड़ा हो जाए तो उसे अपने गरीबी की गरीबी महसूस ना हो कि मैं गरीब हूं और ये अमीर है। अमीर आदमी वो है जो किसी को उसकी गरीबी महसूस न होने दे, वो अमीर है। इसीलिए यहां भगवान कह रहे हैं
कि इसलिए हम अहम से नाराज हो जाते, भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान गोपियों से दूर हो गए, ये अहम हमें भगवान से। और देखो आज कई परिवारों में अगर हम देखें तो कई परिवार अहम से ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अहम मान सम्मान मद के कारण, अहम के कारण परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, मेरा ये भारत वर्ष टूट रहा है, बस इसी अहम के कारण। इस अहम को हम निकाल दे जो भगवान को भी पसंद नहीं है, तो पहला कारण भगवान मद को प्रशमन करने के लिए, याद कराने के लिए कि गोपी आत्मचिंतन करे, इसलिए भगवान अंतर्दान हो गए। अभी हमने सुना कि राधा जी के मन में जो मान जागृत हुआ था, तो उस मान को प्रशमन करने के लिए भगवान वहां से अंतर्धान होते हैं। एक और भी कारण बताया गया कि भक्ति मार्ग में जब भक्त को सिद्धि प्राप्त होती है, तब यदि उसे उसका अभिमान हो जाए तो वह उसके लिए विघातक सिद्ध होती है। कई बार भक्ति मार्ग में आप सुनते भी हो, हम भी सुनते हैं कि कभी किसी को अगर सिद्धि प्राप्त हो जाए तो सिद्धि की अनुभूति करने के बदले वो उसकी मार्केटिंग करता है। उस सिद्धि का उसे अभिमान हो जाता है, वो उस सिद्धि का उसके उस साधना का अभिमान करने लग जाता है। एक ऐसे ही शिष्य ने एक साधना की, भगवान को प्रसन्न किया और साधना अनुष्ठान के करने से उसने एक कला को प्राप्त किया कि वो पानी पर चल सकता था, ऐसे पानी पर चल सकता था। तो अपने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव हमने साधना की, अनुष्ठान किया और देखो एक अलौकिक शक्ति को हमने प्राप्त किया। बोले कौन सी शक्ति को? बोले देखो हम पानी के ऊपर से ऐसे चल सकते हैं। बोले बेटा इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए किसी नौका में बैठकर भी तो आसानी से जा सकते हैं, उसके लिए इतने दिन बिगाड़ने की जरूरत क्या थी? बस एक ऐसी साधना को तूने प्राप्त कर लिया और साधना की, अनुष्ठान किया, उसका भी अभिमान आपको हो रहा है, देखो मैं पानी पर तैर सकता हूं, चल सकता हूं। हमें जो सिद्धि है उसका अभिमान न आ जाए, हमें उसका मद न आ जाए, हमें हमारे किसी पद का मद न आ जाए, हमारे ज्ञान का मद न आ जाए। ब्रह्मा जी को जब मद हुआ, नुकसान हुआ है, शंखासुर के द्वारा भगवान वेद ले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को भी तो मद हुआ था, उस मद का भी हरण भगवान करते हैं, नुकसान करता है मद। इसीलिए एक कारण ये भी कहा कि भक्ति मार्ग में जब किसी भक्त को सिद्धि प्राप्त हो, उसका अभिमान अगर हो जाए तो वो भी वो अभिमान उसके लिए विघातक साध्य होता है। और अंतर्धान होने का कारण यह गोपी गीत में मिलता है कि भगवान जो अंतर्धान हो गए, बुलाया ही भगवान ने था और भगवान ही अदृश्य हो गए। ये तो ऐसी बात हुई, किसी को हमने भोजन पर बुलाया, हमने निमंत्रण देकर भोजन में बुलाया, वो भोजन करने भी हमारे घर पहुंचा और हम उसे पूछते हैं आप कौन हो और यहां क्यों आए? यहां वैसे ही हुआ, भगवान ने ही बुलाया और भगवान अंतर्धान हो गए। उसका और एक कारण भगवान बताते हैं कि जब हमें भूख लगती है ना, तब ही भोजन का आनंद आता है। जब पेट में भूख हो तब ही भोजन का आनंद आता है। भगवान सोच रहे थे हम सहजता से मिले ना, इनको थोड़ी भूख लगनी चाहिए गोपियों को, क्योंकि जब पेट में भूख हो तब भोजन का आनंद आता है। सतपंथ के शास्त्र में सद्गुरुदेव इमाम साहब जी महाराज भी इसके बारे में बहुत बढ़िया बात कहते हैं अपने वाणी में।
समझ अबुझ मन खोज प्यारे, समझ अबुझ मन खोज प्यारे, आशक हो के रोना क्या रे, आशक हो के रोना क्या रे, समझ बुझ मन खोज प्यारे। आगे बहुत बढ़िया बात कही, जिन अखियन में नींद घने, जिन अखियन में नींद घनेरी, तकिया और बिछोना क्या रे, समझ बुझ मन खोज प्यारे, रूखे सूखे गम के टुकड़े। अगर पेट में भूख हो ना, रूखे सूखे गम के टुकड़े, फीके और अलोने क्या रे, समझ बुझ मन खोज प्यारे। सत्पन शास्त्र में सद्गुरुदेव कहते हैं, जिन अखियन में नींद घड़ी घनेरी, तकिया और बिछोना क्या रे, जिनके आंखों में नींद होती है ना, वो तकिया और बिछोने के बारे में नहीं सोचते, वो सो जाते हैं। और जो कहते हैं यहाँ तो ठंडी है, यहाँ तो गर्मी है, यहाँ तो ओढ़ने का नहीं, यहाँ तो बिछाना नहीं, यहाँ तो गदला नहीं, गद्दा नहीं, यहाँ तो वो नहीं, समझना कि इसको नींद ही नहीं है। जिनको भगवान की भूख लग जाती है, जैसे देखो कि कोई तकिया और बिछोना क्या रे, जिसके आंख में नींद है वो तो कहता है कहीं जगह मिल जाए मैं सो जाओ, वो तकिया बिछोने की राह नहीं देखता, नहीं है छोड़ो सो जाना है सो जा, क्योंकि आंख में नींद है। जिसको भगवान का भजन करना है उसके पास बहाने नहीं है, वो बहाने नहीं, और जो बहाने कर रहा है, जो चालाकी करता है, गुजराती में कहते हैं तू चालाकी ऊंची कर, भगवान ने मेहरबानी वधारे थसे। तू चालाकी ऊंची कर, तो समझना कि जो जिनके आंखों, जो जिनको भगवान में प्रेम है वो बहाने नहीं करते, चालाकी नहीं करते, भजन करते हैं, बहाना नहीं ढूंढते। रुखे सुखे गम के टुकड़े, फीके और अलोने क्या रे, अगर पेट में भूख है तो रुखी सुखी रोटी हम खा जाते, ये तो फीकी है, इसमें तो नमक कम है, इसमें तो ये हुआ, उसमें तो वो हुआ। हम अगर मैं माताओं को भी कह दूं, जिस दिन घर वाला बाहर से आए और कहे कि इसमें तो नमक ज्यादा हुआ, इसमें तो नमक कम हुआ, ये तो सब्जी अच्छी बनी नहीं, समझ लेना ये बाहर से कुछ पाकी आए, इसके पेट में भूख नहीं है, ये दाबेली खा के जरूर आया है बाहर से। अगर ये नाटक करने लग जाए तो समझना, हमारे दिव्यानंद भिक्षु जी बहुत एक मस्ती वाली बात करते थे, आनंद वाली बात करते थे। मैंने जो कथा में सुना था स्वामी जी से, दिव्यानंद भिक्षु जी महाराज, वो हमेशा एक बात बढ़िया बोलते थे कि एक आदमी एक महाराज जी के पास आया, घर वाला पति, और वहाँ आकर गुरु जी को कहने लगा, गुरु जी मुझे अब वो चूहे मारने वाली दवाएं वो दे दो। बोले चूहे मार दवा तुझे क्यों चाहिए? बोले बस रहना नहीं है, मर जाना है, वो चूहे मार दवा दे दो, जहर दे दो, मरना है। बोले मरना क्यों है? बोले घर वाली अच्छी सब्जी ही नहीं बनाती, आज सब्जी बनाई तो उसमें नमक ही नहीं था, तो मुझे मर जाना है, नहीं रहना। तो संत ने कहा कि भाई तू नहीं पिएगा,
और तू नहीं मरेगा। तू बोले गुरुजी मैं सचमुच कह रहा हूं, वो जहर मुझे दो, चूहे मार दवा दो, मैंने मर जाना है। बोले तू नहीं मरेगा, तू नहीं खाएगा दवा। बोले मैं तो मांग रहा हूं। बोले तू फिर भी नहीं खाएगा। बोले क्यों नहीं खाऊंगा बताइए। बोले जो घरवाली के हाथ की बगैर नमक की सब्जी नहीं खा सकता, वो चूहे मार दवा कहां से खाएगा? वो कहां से चूहे मार दवा खाएगा जो घरवाली के हाथ की बगैर नमक की, और एक हमारा अन्नपूर्ण ब्रह्म है। सतपंथ की शिक्षा पत्री में, हमारे वेदों की वाणी में है, सभी संप्रदायों ने कहा पूर्ण ब्रह्म है। हमारी शिक्षा पत्री में बात आती है कि अन्न को नाम मत रखो, इसमें नमक कम है ज्यादा है पूर्ण ब्रह्म है। तो कहने का मेरा भाव ये था कि जी रुखे सुखे गम के टुकड़े फीके और ओलो ने क्या। जब पेट में भूख होती है ना, तब हम भोजन को नाम नहीं रखते, खा लेते हैं, पा लेते हैं, प्राप्त ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान का एक वो भी था कि जब भूख लगी हो तो भोजन का आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान जो अदृश्य हो गए तो इनको आनंद कराने ही अदृश्य हुए हैं, ये भगवान का भाव है, ये उद्देश्य है भगवान का। क्योंकि विरह के बगैर मिलन फीका लगता है कि अदृश्य हुए थे भगवान, अंतर्धान क्यों हुए? विरह के बगैर मिलन फीका लगता है। हाँ, हम एक दूसरे को बार 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 मिलते रहे ना, उतना आनंद नहीं आता। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मिलते हैं तो दोनों जैसे कि सुदामा और मेरे प्यारे भगवान कन्हैया, मेरे प्यारे भगवान कृष्ण, दोनों जैसे मिले थे ना मेरे भगवान, तो बस आसन से उठे और भागते भागते नंगे पैर मेरे सुदाम जी को लेने पहुंचे थे। और मेरे सुदाम जी को लेकर दरबार में आए, अपने आसन पर बिठाते हैं, विराजमान करते हैं, क्योंकि कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। इसलिए विरह के बगैर मिलन फीका है। जब हम कुछ दिनों बाद एक दूसरे को मिलते हैं तो गले मिलते हैं, भाव से प्रेम से मिलते हैं, क्योंकि उसमें विरह था। तो भगवान इनको विरह देना चाहते हैं ताकि इनके हृदय में और भी प्रेम उमटे, प्रेम का प्रवाह और बहे इन गोपियों के हृदय में। इसलिए भगवान अंतर्धान हुए हैं। और जो वस्तु हमें सहजता से मिल जाती है, सरलता से उपलब्ध हो जाती है, उसका हम अवमूल्यांकन कर बैठते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम डिवैल्यूएशन कहते हैं, डिवैल्यूएशन, कि हम जो सहजता से मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए, हम उसका महत्व नहीं समझते। फोकट में मिल जाए, महत्व नहीं समझते। भगवान शायद यही कुछ सोच रहे होंगे कि ये अवमूल्यांकन कर रहे हैं। सहजता से प्राप्त होने के कारण थोड़ा मद आया है, इसलिए भगवान अंतर्धान हुए। जिसे प्राप्त करने में जितना अधिक कष्ट होगा, जितनी अधिक आतुरता की अनुभूति हमने उसकी प्राप्ति हेतु की होगी, जितनी आतुरता से हमने उसकी प्राप्ति के प्रयत्न किए होंगे, जितनी आतुरता हृदय में होगी, जितना अधिक प्राप्ति का कष्ट हृदय में होगा, उतनी ही संतुष्टि अधिकाधिक मात्रों में हम प्राप्त कर सकते हैं। जितनी हम आतुरता मन में होगी, उतना आनंद होगा, उतना हमें उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करेंगे, और फिर मिलने के बाद वो आनंद की अनुभूति हम सबको होगी। और जो भगवान अंतर्धान हुए थे, तो भगवान श्याम सुंदर ने उनके मुख का हास्य तो देखा गोपियों के, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए अंतकरण का अश्रुघोत होना भी नितांत आवश्यक है। भगवान ने स्मित हास्य तो देखा गोपियों के चेहरे पर, लेकिन भगवान चाहते थे कि मेरी प्राप्ति के लिए अंतकरण का अश्रुघोत भी होना जरूरी है।
मेरी याद में अश्रुओं का बहना भी जरूरी है। मेरी चाहत में, मेरी विरह में अश्रु घोत, आंखों से अश्रु बहना भी जरूरी है। इसलिए भगवान अंतर्धान हो जाते हैं कि मेरी विरह में फिर इनके आंसुओं से, आंखों से आंसू बहेंगे। उन आंसुओं का बहना भगवान जरूरी मानते हैं, और वो तो तब बहे जब इनको विरह हो, जब मैं अंतर्धान हो जाऊं, इनसे अपने को अलग कर दूं, ये तो तब हो सकता है, और भगवान यही चाहते थे। इसलिए भगवान अंतर्धान वहां से हो जाते हैं। जैसे देखो सुखदेव जी, माफ करना, हमें संतों की याद आती है कि हमेशा उनके आंखों में आंसुओं का प्रवाह भगवान के प्रेम में बहता है, जैसे संत मीराबाई के आंखों में प्रवाह बहता था। हम याद कर रहे थे महाराज सूरदास को। सूरदास जी महाराज के आंखों में से भी वो आंसुओं की धाराएं नितान बहती थी भगवान के प्रेम में। दोनों आंखों से अंधे थे, लेकिन फिर भी कोई फरियाद नहीं थी, भगवान को याद करते हुए जीवन को जी रहे थे, और भगवान के प्रेम में आंखों में से आंसू बह रहे थे। निश दीन बरसत नैन हमार, निश दीन बरसत नैन हमार, सदा रहत पावस ऋतु हम पार, सदा आंखों में से आंसुओं की धाराएं बह रही है भगवान की चाहत में, भगवान के प्रेम में। भगवान यही चाहते थे। मैंने इनके मुखमंडल पर वो स्मित हास्य तो देखा, लेकिन उन आंसुओं का प्रवाह बहना भी, क्योंकि हम संसार के लिए तो कई बार रो चुके हैं, तभी भगवान के प्रेम में रो कर उन आंसुओं की धाराओं को बहा कर देखना, अनुभव होगा हृदय निर्मल हो रहा है, हृदय पवित्र हो रहा है, विकार हट रहे हैं और भगवान से नजदीकियां बढ़ रही है, हृदय को निर्माल निर्मल ये आंसू करते हैं जो भगवान के प्रेम में बहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत जी में परीक्षित भी, राजा परीक्षित, मोक्ष परीक्षित एक प्रश्न अपने गुरुदेव से पूछते हैं, महाराज सुखदेव से पूछते हैं कि महाराज भगवान अंतर्धान हो गए आप बता तो रहे हैं,
लेकिन महाराज इतने बड़े वृंदावन में भगवान ऐसे कहां छुपे होंगे जो इतनी कोशिश के बाद भी गोपियों को नहीं मिले, कहां छुपे होंगे भगवान। तो शुकदेव जी महाराज जवाब देते हैं कि हे राजन, श्याम सुंदर तो इन सबको छोड़कर कहीं नहीं गए थे, अपितु उन प्रिय ब्रज भक्तों के हृदय में ही लीन हो गए थे। अब ये गोपियां बाहर ढूंढ रही थी और ये तो इनके हृदय में ही लीन हो गए थे, वो कहां छुपे नहीं थे, वो तो इनके हृदय में लीन हो गए थे और जहां ढूंढना था वहां ये ढूंढ नहीं रही थी। देखो अंतर्दान होकर ये भगवान चाहते थे मुझे ढूंढे, और ढूंढने के बाद इन गोपियों को ज्ञान प्राप्त हो कि मैं कहां हूं, ये भगवान तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको मथुरा जाना था ना, ये तैयारी करवा रहे हैं कि मेरे बिछुड़ने का इनको दुख ना हो, इसलिए अनुभूति करा रहे हैं गोपियों को, अरे गोपियों मैं मुझे कहीं और बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपके हृदय में हूं, ये अनुभूति भगवान कराना चाहते हैं। भगवान ये अनुभूति कराने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते भगवान कहीं अदृश्य नहीं हुए थे, अंतर्धान नहीं हुए थे, वो तो उनके ही हृदय में लीन हो गए थे। और क्या एक शंका यहां पर उत्पन्न होती है, महाराज परीक्षित पूछते हैं कि क्या भगवान को छुपने के लिए अपने भक्तों के हृदय के अतिरिक्त और कोई उत्तम स्थान नहीं मिला, महाराज पूछते हैं। तब महाराज सुखदेव ने कहा कि हां, प्रेमी भक्तों का हृदय ही प्रभु के विराजने का उत्तम मंदिर है, कि क्या कोई दूसरी जगह नहीं मिली भगवान को लीन होने के लिए, भक्तों का हृदय ही मिला। तो महाराज सुखदेव कहते हां, वही स्थान योग्य है भगवान को रहने के लिए, भक्तों का हृदय ही योग्य स्थान है, मतलब भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। हरि वसे हरि ना जन मारे, तो काहे फिरे वनमा, हरि वसे हरि ना जन मा। इसलिए सतपन के शास्त्र में बात आती है, हे दिल तू क्या देखत है दूर, हृदामा धनी तो रहा ले हुजूर, दिल तो क्या देखत है दूर, हृदामा धनी तोरा, कि अरे बाहर हमें दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हृदामा धनी तो रहा ले हुजूर, वो तो हमारे हृदय में है। तो भगवान को रहने के लिए योग्य जो जगह है वो भक्तों का हृदय ही है, उत्तम मंदिर है भगवान को रहने के लिए, भगवान वहां विराजते हैं। भगवान चाहते हैं कि भक्त उन्हें अंत चक्षुओं से देखे, बाह्य लौकिक चक्षुओं से भगवान का दर्शन होने पर अहम के आ घुसने की पूरी संभावना होती है। भगवान चाहते हैं हम अंत चक्षुओं से भगवान को देखे, उसको देखे, अनुभव करे अंत चक्षुओं से, इसलिए जब तक आंख खुली है वो नहीं दिखाई देगा, आंख बंद करो दिखना शुरू होगा। जैसे मैं भीतर गया, भीतर जाना होगा, क्योंकि हम बाह्य चक्षुओं से उसे अनुभव करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो साथ साथ में अहम भी आ सकता है, लेकिन अंत चक्षुओं से उस भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो इसकी संभावना कम है। और इसलिए अपने ब्रज भक्तों को निरभिमान एवं निर्लेप बनाने के लिए भगवान हृदयस्थ हो गए हैं, भगवान उनके हृदय में लीन हो गए, इस अनुभूति के लिए कि आंख बाहर
इन बाह्य चक्षुओं से मुझे अनुभव नहीं करो गोपियों, अंत चक्षुओं से मुझे आप भीतर अनुभव करो। मैं आप में ही हूं, मैं आप से अलग नहीं हूं। भगवान ये ज्ञान उनको देना चाहते थे, अद्वैत भाव को प्रकट करना चाहते थे। अरे गोपिया, मैं ही हूं, आप में मैं ही हूं, मैं ही आप है, यहां मेरे अपने सिवा कुछ ना ही, सब जगह मैं हूं। तो वो अद्वैत भाव में उन गोपियों को लाना चाहते थे, मैं आपके पास में ही हूं, मैं आप में ही हूं, ये अनुभव कराना चाहते थे। ब्रज भक्तों ने समस्त ब्रजमंडल का चप्पा चप्पा खोज लिया, परंतु भीतर झांकने का उन्हें समय ही नहीं था। जब बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन भीतर वो ढूंढ नहीं रहे। जैसे शक्कर दूध में मिल जाने के बाद दूध शक्कर को ढूंढ रहा है कि शक्कर कहाँ गई। शक्कर दूध में मिल जाती है, और दूध में मिल जाने के बाद अगर वो दूध शक्कर को ढूंढ रहा है कि ये शक्कर कहाँ गई। बात समझ में आई? शक्कर मिल गई दूध में, अब दूध शक्कर को ढूंढ रहा है, ये शक्कर कहाँ गई। उस शक्कर ने तो दूध आप में खुद को मिला दिया है, एक कर दिया है। समझदार समझाते हैं, शक्कर तो तेरे अंदर घुल मिल गई है हे दूध, अब तो तू आराम से उसकी मधुरता का स्वानुभव करता रहे बस। हे दूध, तो अब उस शक्कर को ढूंढना छोड़ दे, शक्कर ढूंढना छोड़ दे, वो उस शक्कर ने दूध के अंदर ही अपने आप को रख दिया है, समाहित कर दिया है, बस अब उसका तू स्वाद ले, अनुभव कर। क्यों हम भगवान को ढूंढ रहे हैं? उस भगवान ने अपने आप को अपने भीतर समाहित कर दिया है, बस उसका हम अनुभव करें, बस आनंद ले, ये भगवान चाहते थे। और इसीलिए भगवान वहां से अंतर्धान होते हैं, और भगवान अंतर्धान होकर भगवान ये इच्छा वहां रखते थे कि गोपियों का निर्माण वहां पर हो, गोपियों का भाव जागृत हो। तो इसीलिए भगवान वहां से अंतर्धान हो गए थे। गोपी गीत का भाव जितना मैं प्रकट करूं उतना कम है, मैं तो बस स्पर्श कर रहा हूं गोपियों के इन भाव को, गोपी गीत के भाव को, एक गहरी चर्चा है, और उसके लिए मेरा अभ्यास भी बहुत छोटा है, मेरा अनुभव भी छोटा है, और ज्ञान उसके आगे बहुत फीका है। लेकिन एक दिया, छोटा सा दिया बनकर थोड़ा प्रकाश फैलाने की कोशिश गोपी गीत के इस चर्चा के माध्यम से मैं आपके हृदय में थोड़ा प्रकाश फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ आज की कथा को हम विश्राम देंगे। जगत गुरु जी भगवान हमारे बीच में विराजमान है, इतना बड़ा मंच, इतनी छोटी आयु में इस दास को जगत गुरु हंस देवाचार्य जी महाराज जी ने दिया है, इतना बड़ा मंच इतनी छोटी आयु में, कम आयु में, ये जगत गुरु जी का मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने कहा था मैं पूरा समय आपके सानिध्य में रहूंगा, कुंभ में कथा न हो तो भी दिक्कत नहीं, मैं रहूंगा जरूर, लेकिन स्वामी जी ने आज्ञा की थी कथा जरूर होगी, आपने कथा करनी है, और पहली कथा आपकी होगी कुंभ में, शिविर में। तो मैं मानता हूं ये मेरे गुरुदेव की भी मेरे ऊपर कृपा रही है कि ऐसे जगत गुरु भगवान का प्रेम सानिध्य और ये कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। और जो
मेरे पर विश्वास जगत गुरु जी कर रहे हैं, पता नहीं उतनी काबिलियत हमारे अंदर है नहीं है, लेकिन मुझे एक विश्वास है अगर नहीं भी है तो...